Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ है परसा की जमीन पर, जहाँ की बेटी लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी है ऐश्वर्या राय। जी हाँ, अब लालू परिवार पर लगा है भ्रष्टाचार के बाद अत्याचार का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रश्मि। मौका था एक चुनावी रैली का, एक चुनावी सभा का। परसा पहुंचे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पर उन्होंने ना सिर्फ ऐश्वर्या राय के लिए अपार प्यार दिखाया बल्कि साथ ही साथ लालू परिवार को दे डाला सियासी श्राप। क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए। तो इस सियासी सभा के दरमियान ना सिर्फ नीतीश कुमार की बाप बेटी बहू वाली पॉलिटिक्स देखने को मिली, साथ ही साथ इस सभा में लालू समर्थकों की खेमेबाजी भी दिखाई दी। देखिए क्या था वो नजारा, जब नीतीश की सभा में नीतीश के सामने लगे लालू यादव जिंदाबाद के नारे। जैसा कि आपको पता है कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का सात फेरों का रिश्ता 7 महीने भी ठीक से नहीं चल पाया। महज 5 महीने बाद ही तेज प्रताप यादव पहुंच गए अदालत तलाक की अर्जी लेकर। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय भी कोर्ट पहुंची प्रताड़ना का आरोप लगाकर। तो दूसरी तरफ लालू परिवार को टीस है, खासकर लालू प्रसाद यादव को, कि उनके पुराने दोस्त ने ना सिर्फ उन्हें दर्द दिया बल्कि दगा भी।